तो मैं चुनौती दे करके कहता हूँ कि पच्चीस में किसी विधानसभा से स्वयं चुनाव जीत करके आवे और बिहार का मुख्यमंत्री बन के दिखें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो पैरामीटर्स तय किया गया ये हम लोगों ने नहीं, नहीं किया है यूपीए सरकार के समय में ही इसको तय किया गया था कांग्रेस नीत वाली सरकार ही इसको तय किया था और उस समय जो ये तय किया गया उसके लिए जो पैरामीटर्स बनाया गया है उस पैरामीटर्स में बिहार नहीं आता है अगर उस पैरामीटर्स को चेंज करके हम बिहार को विशेष राज्य के दर्जा में रखेंगे तो एक साथ देश के सत्रह अठारह राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा उनकी भी मांग उठेगी बीजेपी की कृपा से वो नेता बने हैं चौरानवे में वो लालू जी के पीठ में खंजर मार करके उस समय के जनता दल से अलग हुए थे 2005 में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाया 2010 में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाया सत्रह में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाया बीस में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाया तो जिस बीजेपी की सवारी करके वो इतने दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे उसी को घेरने चले हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री 31 अगस्त को पटना पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम एम तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया इसी संबोधन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष राज का दर्जा मिला होता तो आज बिहार की सूरत हाल कुछ और होती उन्हें कई और सवाल जो है वो सरकार पे उठाए हैं इन सवालों के जवाब में बीजेपी क्या स्टैंड रखती है इसके लिए हमने संपर्क किया बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता जीवेश मिश्रा से जीवेश जी लगातार जब से महागठबंधन की सरकार बनी है नीतीश जी बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं बीजेपी उनसे घिराने वाला है बीजेपी की कृपा से वो नेता बने हैं चौरानवे में वो लालू जी के पीठ में खंजर मार करके उस समय के जनता दल से अलग हुए थे 2000 में बीजेपी उनको चौंतीस पैंतीस सीट रख रखते हुए सात दिन का मुख्यमंत्री बनाया था इतिहास को पढ़ना चाहिए ना 2005 में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाया 2010 में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाया 17 में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाया 20 में बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाया तो जिस बीजेपी की सवारी करके वो इतने दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे उसी को घेरने चले हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये तो कमाल बात हो गई आप लोग भी गजब गजब प्रश्न लाते हैं वो क्या घेर लेंगे बीजेपी को बीजेपी सत्रह अठारह राज्यों में सरकार अपनी बदौलत चला रही है नीतीश कुमार जी की बदौलत नहीं चला रही है कल के एक जो सरकार उनको अपनी बदौलत चलाना था सत्रह वर्षों में एक बार जनता के बीच से चुन कर नहीं आए पहली बात अगर दम है उनमें अगर वो लोकप्रिय हैं तो मैं चुनौती दे करके कहता हूँ कि पच्चीस में किसी विधानसभा से स्वयं चुनाव जीत करके आवें और बिहार का मुख्यमंत्री बन के दिखा दें पहला सवाल मेरा अगर लोकप्रिय हैं तो सत्रह वर्षों में चुनाव क्यों नहीं लड़े पिछले दरवाजे से क्यों आते हैं पहली बात अगर लोकप्रिय हैं तो सत्रह वर्षों में अपनी बदौलत एक सरकार पूर्ण बहुमत से क्यों नहीं बनाए बिहार में दूसरी बात ये सब बात मत करिए वो किसी न किसी की सवारी करके हम पूरा सम्मान करते हैं हमारे मुख्यमंत्री रहे हम पूरा सम्मान करते हैं लेकिन आपने कल देखा विपक्षी एकता किस प्रकार तार तार हुई हाथ पकड़ के दस बार बिठाना पड़ रहा था के सी आर को कि बैठ जाइए हम कुछ बोलना चाह रहे हैं और सी एम के सी आर और कुछ ना ज़्यादा बोले इसके लिए बार बार खड़े हो जा रहे थे और सुपर सी एम जो है वो बगल में बैठे हुए थे सी एम खड़े थे तेजस्वी जी बैठे हुए थे सी एम खड़े थे तो ये सब दिन तो अभी देखना बाकी है आप जरा इंतज़ार करिए ना आप लोग तो सारी प्रतिक्रिया पहले ही दिन चाहते हैं आ जाए थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके अब घुटना होगा और मरना होगा नीतीश कुमार ने, ने संबोधन में कहा कि नीतीश कुमार ने संबोधन में कहा कि इशारों इशारों में कि बीजेपी सिर्फ प्रचार करने वाली पार्टी है काम नहीं करती हम काम अच्छा। करने वाली पार्टी हैं और विशेष राज का दर्जा भी तक नहीं मेरी बात चौदह में इस देश के अंदर सिक्सटी शिक्षा था एवरेज आज पचहत्तर है ये प्रचार करने वाली बात है क्या इस देश के गरीबों का बैंक में अकाउंट एक भी नहीं था आज तैंतालीस करोड़ गरीबनी माताओं का बैंक में अकाउंट है प्रचार करने वाली बात है क्या इस देश में देश के आज़ादी के बाद से सैंतालीस से लेकर के बीस तक छः करोड़ सैंतीस लाख प्राइमरी विद्यालय था आज छः करोड़ पचास लाख नए प्राइमरी विद्यालय खोले गए ये प्रचार करने वाली बात है क्या इस देश के अंदर आज साढ़े ग्यारह करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेजा जा रहा है ये प्रचार करने वाली बात है क्या इस देश के अंदर पहाड़ से लेके नदी की तलहटी तक बिजली पहुंचा दी गई आठ वर्षों में ये प्रचार करने वाली बात है क्या तो जो काम हमने किया है उस बात को अगर हम कहते हैं तो नीतीश कुमार जी को तकलीफ़ क्यों होता है इसमें तो तकलीफ हो नहीं हम बिहार में भी जो काम करते थे हम लोग कहते थे आज का अखबार देख लीजिए इतना काम अगर इनके मंत्री ने किया है तो अखबार में है कि नहीं है तो जो काम हम करते हैं उस काम को हम जनता के बीच न रखें क्या रखना चाहिए हम जो काम करते हैं उसको जनता के बीच ले जाना हमारा ये भी काम है तो हम आठ वर्षों में देश की सूरत सीरत बदलने का काम इस देश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है आप देख लीजिए हमने कृषि कल्याण किसानों के कल्याण के लिए बजट को कितना बढ़ाया है आप देख लीजिए कि 200 करोड़ मुफ्त डोज देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है कि नहीं किया है आज अभी जो हम लोग मुंह खोल के बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं इतना नज़दीक से क्या हालत थी आपको इस डंटे में डंटा लगाना पड़ रहा था बात करने के लिए और 200 करोड़ लोगों को टीका देने के बाद आज कितने आराम से बैठे हुए हैं कोविड का अभी भी लहर चल रहा है शांति से बैठे हुए हैं तो ये क्या प्रचार करने वाली बात नहीं है क्या ये लोगों को बताने वाली बात नहीं है क्या आज देश के 80 करोड़ गरीबनी माताओं को गरीब के घर में मुफ्त का अनाज भेजा अगर जा रहा था पिछले लगातार 27 28 महीनों से तो ये कहने वाली बात नहीं है क्या तो इसमें जलन क्यों हो रहा है माननीय नीतीश कुमार जी को और मुझे ज़रा जवाब दें ये लोग बैठ कर के जितने लोग बैठे हुए हैं ये विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले लोग आप जरा याद करिए जरा पीछे जा कर के तेजस्वी जी की माता जी मुख्यमंत्री थी इस बिहार की आदरणीय रावरी देवी जी और 2004 से 2005 तक बिहार में इनकी सरकार थी राबड़ी जी की और इन्हीं के सपोर्ट से केंद्र में यूपीए की सरकार जो अभी की यूपीए है उसकी सरकार कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो एक साल कम था क्या विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए अगर इनके पास सॉलिड इवाइडेंस थे इनके पास सॉलिड बात थी इसको विशेष राज्य का दर्जा मिले तो केंद्र के अंदर जो सरकार इनकी थी और राज्य में इनकी सरकार थी तो एक साल में झुंझुना क्यों बजा रहे थे विशेष राज्य का दर्जा लेकर के बिहार को दिया क्यों नहीं पहली बात और जब अटल जी आए 2003 में यहाँ उद्घाटन करने के लिए किसी ये थर्मल पावर या मुझे लगता है कि पुल का इस शिलान्यास करने आए थे तो राबड़ी जी ने दो में मुझे लगता है चार की घटना है राबड़ी जी ने उनसे विशेष राज्य के उन उनसे विशेष पैकेज के लिए अपना आंचल फैला करके पैकेज मांगने का काम बिहार के हित में किया था हम लोग ऑडियंस में थे हम लोग प्रसन्न हुए कि एक बड़ा काम राबड़ी जी आज बिहार के हित में करने जा रही है देश के प्रधानमंत्री जी से और वहाँ से एयरपोर्ट जाते जाते रास्ते में उनके साथ कौन बैठे वो कौन नेता थे जिन जिन्होंने इस बात के लिए इसका विरोध किया कि विशेष राज्य का विशेष पैकेज बिहार को ना दिया जाए केंद्र में मंत्री भी थे और बिहार से आते हैं और लगातार बिहार के मुखिया के रूप में काम किए हैं आप लालू जी से जाकर पूछिएगा कि वो किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ कर के विशेष पैकेज का विरोध किया था और आज बिहार के मुखिया के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं अपने झोली में अपने गिरेवान में झांक करके देखें कि किस किस प्रकार का काम इन लोगों ने बिहार के अगेंस्ट किया है सबका भंडाफोर होगा समय आने पर और सब बात जनता की अदालत में जाएगी और 24 और 25 का फैसला बिहार की जनता बिहार के हित में करेगी अच्छा जीवेश जी बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं बीजेपी के लिए तो एक बिहारी होने के नाते क्या आपको लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा का कई फार्मूला है ये बरगलाने वाली बात ये करते हैं क्या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो पैरामीटर्स तय किया गया ये हम लोगों ने नहीं, नहीं किया है यूपीए सरकार के समय में ही इसको तय किया गया था कांग्रेस नीत वाली सरकार ही इसको तय किया था और उस समय जो ये तय किया गया उसके लिए जो पैरामीटर्स बनाया गया है उस पैरामीटर्स में बिहार नहीं आता है अगर उस पैरामीटर्स को चेंज करके हम बिहार को विशेष राज्य के दर्जा में रखेंगे तो एक साथ देश के सत्रह अठारह राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा उनकी भी मांग उठेगी व्यवहार रूप से नेताओं को काम करना चाहिए ये नहीं कि हम सत्ता में हैं तो चूहा को हाथी कहने लगे और विपक्ष में आ गए तो हाथी को चूहा कहने लगे ये देश के राजनीतिक लोगों का चरित्र जब तक नहीं बदलेगा ऐसा संभाव के साथ राज्य के हित में काम नहीं करेंगे प्रतिपक्ष को विरोधी दल विरोधी बता करके उसको कटघरे में खड़ा करना सत्ता पक्ष बंद करे उसको साथ लेकर के राज्य के हित में काम करने की शुरुआत अच्छी आदत डालने की अगर परंपरा शुरू कर दी जाए तो हम समझते हैं ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ये क्यों नहीं मांगे भाई ये अनशन क्यों नहीं किए ये 2005 से 2010 तक मुख्यमंत्री थे ले ले लिए होते विशेष राज्य अगर मिलना था तो ये स्वयं मंत्री थे चार से पाँच केंद्र में क्यों नहीं दिला दिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ये सब बनावटी बातें ये सब पोलिटिकल स्टंट है बिहार के जो आ, पढ़े लिखे लोगों से अलग एक बड़ी जमात है उसको गलत तरीके से अपने पक्ष में कन्विंस करने का स्टंट है मैं दोनों आदमी जो आर बिहार के अंदर मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं मैं मुझे दोनों से कहना है और दोनों आदमी के पार्टी से कहना है कि साहब चार से पाँच आपको अवसर मिला था आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में भी थी आपने क्यों नहीं किया ऐसा चार से पाँच आपके जो अभी जो बिहार के मुखिया हूँ केंद्र में मंत्री थे कितनी बार आवाज़ लगाई उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले कितनी बार उन्होंने लोकसभा के अंदर इस प्रश्न को लाया और बोला जरा रिकॉर्ड है जरा उसको जांच कर लीजिए तो ये बनावटी बात है पोलिटिकल स्टंट खड़ा करना चाहते हैं बिहार का भला नहीं करना चाहते हैं बिहार का अगर भला करना चाहेंगे तो मैं तो देख रहा हूँ बिहार के अंदर कि बिहार जितना टैक्स अभी वसूल रहा है उससे अधिक टैक्स बिहार का खराब हो रहा है सरकार के पास कोई नीति नहीं है सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि उस टैक्सेशन को प्रॉपर तरीके से सरकार के खजाने में लाए तो ये सब बात अब बालू का बोझ बढ़ा दिए सौ परसेंट अब अवैध बालू खनन इनसे रुक नहीं रहा है और जो सही तरीके से बालू खन रहा है जो भी बालू खनने वाली एजेंसी है उसके ऊपर सौ फीसदी टैक्स बढ़ा दिए बिहार का निर्माण कार्य महंगा हो जाएगा गरीब आदमी जो लाख दो लाख में अपना एक कमरा बना रहा था अब नहीं बना पाएगा जो कितना निर्माण कार्य इससे प्रभावित होगा सरकार को इन बातों की भी इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और इन बातों पर भी विचार करना चाहिए सीधा सौ परसेंट बढ़ा दिए मतलब सौ रुपये पचहत्तर रुपये की बालू अब डेढ़ सौ रुपये की हो जाएगी इस प्रकार की ज्यादती भी करना जनता के ऊपर सरकार कहा तो टैक्स नहीं है पैसा नहीं है केंद्र सरकार से रिश्ता तोड़ लिए अब ये कठिनाई में है तो जनता के ऊपर बोझ डालने का काम ना करें यह भी मेरा आग्रह आपके माध्यम से होगा तो हमारे साथ थे जिबेश मिश्रा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विशेष का दर्जा पाने के लिए एक पैरामीटर होता है और उस पैरामीटर पर बिहार अभी खड़ा नहीं उतर रहा है वही नीतीश कुमार ने के के साथ जिस तरह केंद्र सरकार को घेरने का काम कल किए थे उस पर उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार अपने आप को लोकप्रिय नेता समझते हैं तो सीधे तौर पर मैदान से लड़कर आए और सदन में पहुँचे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा मैं विश्वजीत आनंद फर्स्ट बिहार पटना